सांस लेता हूँ तो तेरे नाम से, दिल में गिटार बजता है तो तेरे नाम से, अगर अब मेरी वीडियो रैंक नहीं हुई तो तेरा नाम ही बदल दूंगा। तो चलिए आज कुछ करते हैं नया एक्सपेरिमेंट, कुछ नया ट्राई करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। आज हम फाइट रखेंगे सिंगुलर वर्ड्स वर्सेस प्लूरल वर्ड्स, यानी हम हमारे टैग में सिंगुलर वर्ड्स यूज करेंगे और प्लूरल वर्ड्स यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारा टॉपिक होता है यूट्यूब टिप्स, तो हमें टैग में यूट्यूब टिप्स डालना चाहिए या यूट्यूब टिप डालना चाहिए या दोनों डालना चाहिए, किस वजह से वीडियो रैंक कर जाती है, क्या हमें सिंगुलर वर्ड यूज करना है और प्लूरल वर्ड ऑटोमेटिकली यूट्यूब डिटेक्ट कर लेता है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारा टॉपिक है सिंपल रेसिपीज, तो क्या हमें सिंपल रेसिपी यूज करना चाहिए या सिंपल रेसिपीज यूज करना चाहिए हमारे टैग में, या फिर फॉर एग्जाम्पल इफेक्टिव वेज बेनिफिट्स, तो हमें बेनिफिट यूज करना चाहिए या बेनिफिट्स यूज करना चाहिए टैग में, तो हमें कौन सा प्लूरल या सिंगुलर वर्ड यूज करना है हमारे टैग में, इस बारे में टेस्टिंग करेंगे और एक जबरदस्त एक्सपेरिमेंट करेंगे और कुछ नया सीखेंगे कि सिंगुलर वर्ड या प्लूरल वर्ड किस चीज को हमें डालना चाहिए हमारे टैग में, या दोनों को डालना चाहिए या एक डालने से काम बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को इस छोटे से इंट्रो के बाद। गाइज हर बार की तरह दो वीडियो अपलोड की है, वीडियो वन वीडियो टू, दोनों ही वीडियो की लेंथ सेम है, दोनों ही वीडियो पर जीरो व्यूज है। पहली जो वीडियो है उसमें हमने प्लूरल वर्ड यूज किया है, यानी एक्सपेरिमेंट्स यूज किया है, एस लगा दिया है, एक्सपेरिमेंट्स बाय आसागर जैन। और दूसरी जो वीडियो है उसमें हमने सिंगुलर वर्ड यूज किया है, यानी एक्सपेरिमेंट बाय आसागर जैन। इसके एडिट पे क्लिक करके मैं आपको डिस्क्रिप्शन और टैग दिखा देता हूँ। तो इसके डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो एक्सपेरिमेंट्स बाय आसागर जैन है, और जो इसका टैग है वो भी एक्सपेरिमेंट्स बाय आसागर जैन है। अब मैं बैक पे क्लिक कर लेता हूँ। अब मैं सेकेंड वीडियो के एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हो एक्सपेरिमेंट बाय आसागर जैन है और एक्सपेरिमेंट बाय आसागर जैन है। अब मैं बैक पे क्लिक कर लेता हूँ। तो इस एक्सपेरिमेंट का ये मकसद है कि जब मैं प्लूरल वर्ड सर्च करूँ तो क्या सिंगुलर वाली वीडियो आती है या नहीं आती है सर्च में, या फिर जब मैं सिंगुलर वर्ड सर्च करूँ तो प्लूरल वाली वीडियो आती है या नहीं आती है सर्च में। तो चलिए सर्च कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्लूरल वाला वर्ड सर्च करके देखते हैं कौन सी वीडियो रैंक कर जाती है। तो मैं सर्च कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंट्स बाय आसागर जैन, और अब देखते हैं कौन सी वीडियो रैंक करती है। तो आप देख सकते हो वीडियो वन रैंक कर गई है, बट हमारा मकसद ये नहीं था, हमें चेक करना था कि जब हम प्लूरल वर्ड डाले तो सिंगुलर वाली वीडियो आती भी है या नहीं सर्च में। तो ये सिंगुलर वाली वीडियो भी सर्च में आती है, यानी आप टैग में या सिंगुलर वर्ड डालो या प्लूरल वर्ड डालो, कोई भी वर्ड डालो वो वीडियो रैंक कर सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट या फिर जब आप यूट्यूब टिप्स डाल रहे हो अपने टैग में, तो आपको अलग से यूट्यूब टिप डालने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक कीवर्ड भी डाल दोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब हम सिंगुलर वर्ड सर्च करके देखते हैं कि प्लूरल वाली वीडियो आती है या नहीं आती है। तो आप देख सकते हो प्लूरल वाली वीडियो भी आई है सेकेंड पोजीशन पर, यानी ऐसा नहीं है कि अगर आप सिंगुलर वर्ड यूज करो तो प्लूरल वाली वीडियो नहीं आएगी। यानी अगर आपने प्लूरल वर्ड यूज किया है अपने टैग में या सिंगुलर वर्ड यूज किया है अपने टैग में, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वीडियो रैंकिंग में आ सकती है, आपको दोनों यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका वो मेन कीवर्ड है, यानी एक्सपेरिमेंट बाय आसागर जैन अगर आपका मेन कीवर्ड है, तो डेफिनेटली मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों यूज करें, एक्सपेरिमेंट्स भी यूज करें और एक्सपेरिमेंट भी यूज करें, क्योंकि वो आपका मेन कीवर्ड है और आप चाहते हो कि उस पर रैंक करना है आपको, तो आप दोनों यूज करें। लेकिन अगर आपका वो मेन कीवर्ड नहीं है, फॉर एग्जांपल आपका टाइटल है एक्सपेरिमेंट बाय आसागर जैन और टैग यूज कर रहे हो यूट्यूब टिप्स इन हिंदी, तो आपको दोनों कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब टिप्स इन हिंदी और यूट्यूब टिप इन हिंदी। लेकिन अगर आपका मेन कीवर्ड है एक्सपेरिमेंट बाय आसागर जैन जो आपके टाइटल में है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टैग में दोनों यूज करें, सिंगुलर भी यूज करें प्लूरल भी यूज करें, क्योंकि वो आपका मेन कीवर्ड है और उस वजह से आपकी वीडियो रैंक करने वाली होगी। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि आपका जो टाइटल में जो कीवर्ड है उसको आपको सिंगुलर प्लूरल दोनों ऐड करना है अपने टैग में। लेकिन अगर आपका वो कीवर्ड टाइटल में नहीं है, तो आप उसको कोई भी सिंगुलर या प्लूरल दोनों में से एक कीवर्ड को टैग में डाल सकते हो। जिन व्यूअर्स ने इस वीडियो को यहां तक देख लिया है, अगर वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि मुर्गी पहले आई थी या अंडा पहले आया था, तो उनको मैं रिप्लाई में दूंगा एक और टिप, और क्या पता इस टिप से उनकी वीडियो रैंक कर जाए।
तो प्लीज हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हमने इन सारी वीडियोस को एक प्लेलिस्ट में कलेक्ट कर दिया है, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। आप वहां जाकर और कुछ नया सीख सकते हो और नए एक्सपेरिमेंट्स देख सकते हो। अगर आपको हमसे कोई एक्सपेरिमेंट्स करवाना है तो आप प्लीज कमेंट करिए, हम उनको लेकर भी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं और कुछ नया सीख सकते हैं। लेकिन हार मत मानिएगा, एक दिन हमारी वीडियो जरूर रैंक करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।